मॉर्निंग ऑल आज आम सप्तम श्रेणी चैप्टर 9 रामायण कथा पढ़वा चलो पे कवि परिचय पढ़वा भक्त कवि मधुसूदन राव एकाधार जड़े कवि और प्राबंधिक प्राथमिक स्तर रे भाषा शिक्षा पाई रचित मधुसूदन वर्णबोध उत्कल घरे घरे परिचित जड़े दक्ष शिशु साहित्यिक भाव रचनावली ओडिया साहित्य को समृद्ध करिछि साहित्य कुसुम साहित्य प्रसंग आदि लेखकंकर जनप्रिय प्रबंध संकलन मात्र पद्य रचना क्षेत्र रे तांकर असाधारण पारदर्शिता थिला कविता बळी बसंत गाथा आदि कविकर श्रेष्ठ कविता संकलन पठित विषयटी रामायणर कालजयी कहानी उपरे आधारित संक्षेपरे एहार वर्णना करिबाकु जाई लेखक तांक असाधारण पांडित्यर परिचय प्रदान करिसंति भाषा विभवरे परिपूर्ण भाव गर्भक विषयटी वर्णना करिबारे लेखक निजर स्वतात्म्य प्रदर्शन करिसंति अयोध्यार राजा दशरथंकर कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा नामरे तीनोटी राणी थिले ज्येष्ठा राणी कौशल्यांकर पुत्र रामचंद्र मध्यम राणी कैकेयीकर भरत एवं सुमित्रांकर लक्ष्मण और शत्रुघ्न नामरे दुई पुत्र थिले ज्येष्ठ भ्राता रामचंद्रंकर प्रति अन्य तीनि भाईंकर अगाध भक्ति दशरथ वृद्ध अवस्था उपनीत हेबारु ज्येष्ठ पुत्र को राज्यभार अर्पण करने को इच्छा प्रकाश कले तदनुजाई अभिषेक उत्सव आयोजन हेला राज्यवासी ए संवादरे अतिशय आनंदित हेले कारण रामचंद्र बहु सुगुणर अधिकारी थिले किंतु जड़े दुष्टा दासी मंथरार कुमंत्रणारे पड़ी राणी कैके निज पुत्र भरत को राजसिंहासन अभिषिक्त करने उद्देश्य दशरथ निकट पहुंची पूर्व प्रतिश्रुति अनुसार दुईटी वर मागि बसिले एकदा राजा दशरथ मध्यम राणी कैके सेवा जत्न संतुष्ट होई